Hi guys, welcome back to my channel Beauty Getaways. I hope you all are doing absolutely well. दोस्तों मेरा नाम है रूपल और आज का वीडियो होने वाला है सनस्क्रीन के ऊपर. दोस्तों अभी अगर आप गूगल करें दैट व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ स्किन डैमेज, तो फर्स्ट प्लेस में जो आपको फैक्टर दिखेगा वो है सन एक्सपोजर. सन एक्सपोजर से आपको टैनिंग, सनबर्न्स, फ्रेकल्स, सैगिंग ऑफ स्किन, प्रीमैच्योर एजिंग, ड्राइनेस, पैचीनेस एंड वर्स्ट ऑफ ऑल स्किन कैंसर तक भी हो सकता है. आप जितना भी स्किन केयर करें, जितना भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अपने स्किन के ऊपर लगाए, वो किसी काम का नहीं होगा अगर आप अपनी स्किन को सन एक्सपोजर से प्रोटेक्ट ना करें. इंडिया का जो वेदर कंडीशन है उसमें आपको मिनिमम SPF 30 या फिर उससे ज्यादा का SPF वाला सनस्क्रीन यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑल्सो चेक वेदर योर सनस्क्रीन हैज अ गुड UVA प्रोटेक्शन और वो आपको पता चलेगा बाय इट्स PA वैल्यू. सो कंसिडरिंग ऑल द अबव फैक्टर्स, लेट मी सजेस्ट यू अ वेरी इफेक्टिव सनस्क्रीन जो इंडिया में लॉन्च हुआ था जस्ट अ फ्यू मंथ्स बैक. दोस्तों मैं बात कर रही हूँ शिक न्यूट्रिक्स ब्लॉक के बारे में. ब्लॉक में है SPF 45 एंड PA ट्रिपल प्लस जो इसको बनाता है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन और ये बहुत ही एफिशिएंटली आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है बोथ फ्रॉम UVA एंड UVB रेज. दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आप धूप में चले गए और अचानक से यू नो योर स्किन स्टार्ट्स फीलिंग रियली इरिटेटेड, स्किन में रेडनेस आ जाता है. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ब्लॉक में ऐड किया गया है नायासिनमाइड जो इरिटेटेड स्किन को काम करता है और स्किन के हाइड्रेशन लेवल को भी बहुत ही एफिशिएंटली मेंटेन करता है. तो दोस्तों जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था दैट द मेन डैमेज दैट सन एक्सपोजर कॉजेस टू योर स्किन इज प्रीमैच्योर एजिंग. जैसे कि आपको फाइन लाइंस आ जाएगा, रिंकल्स आ जाएगा, स्किन सैग हो जाएगा, पैचीनेस आ जाएगा. सो टू प्रिवेंट ऑल दिस ब्लॉक में ऐड किया गया है एडिनोसिन जो प्रीमैच्योर एजिंग की सारी साइंस को प्रिवेंट करता है. जैसे कि ये स्किन सेल्स को रीजनरेट करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है और मेंटेन करता है एंड ऑल्सो ये डैमेज्ड स्किन को रिपेयर करता है. तो दोस्तों देर आर अ फ्यू क्राइटेरियाज दैट आई ऑलवेज लुक फॉर बिफोर परचेजिंग माई सनस्क्रीन. सो लेट मी शो यू अ डेमो ऑफ ब्लॉक, डिस्कस माई क्राइटेरियाज एंड सी वेदर ब्लॉक मैचेस देम और नॉट. My first criteria is that the sunscreen should not leave any white cast or any residue on my skin. Second is that it should not feel heavy or greasy on my skin. And third is that काफ़ी sunscreen ऐसे होते हैं जो लगाने के बाद काफ़ी sweating होती है. So that should definitely not happen. So let me just tell you that Chic Nutrics Block matches all these criteria. तो जैसे आप देख ही सकते हैं that This is a very lightweight and non-greasy sunscreen और ये बिल्कुल कोई white cast या फिर residue नहीं छोड़ रहा है and बहुत ही easily skin के साथ blend हो रहा है. So this is how my skin looks after application. Packaging भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी sleek है and travel friendly है, कोई spillage या फिर कोई product wastage की कोई डर नहीं है. सो ऑल एंड ऑल इफ यू आर लुकिंग फॉर एन इफेक्टिव सनस्क्रीन जो प्रोटेक्शन के साथ साथ आपकी स्किन को रिपेयर भी करे, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर शिक न्यूट्रिक्स ब्लॉक. प्राइस इसका है ₹895 जिसमें आपको मिलता है 35 ml ऑफ प्रोडक्ट. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कूपन कोड शिक रूपल 10 टू गेट एन एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. So guys, that was it for today. I hope this video was useful to you. If yes, please don't forget to hit the like button and please do not forget to subscribe to my channel for more such contents. I'll meet you again in my next video very soon. Till then, you take good care of yourself. Bye.